OB44 के इस नए अपडेट के साथ क्या आपको बताया गेम पे एक ऐसा वेपन आने वाला है जिससे कि आप वॉल को मिनटों में फोड़ सकते हो। गेम के BR और CS रैंक मैच के अंदर एक नया ड्रैगन आने वाला है, पर इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि अगर नहीं देखे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ड्रैगन को कैसे स्पॉन करें। एक न्यू कैरेक्टर आने वाला है जिसकी मदद से आप आयरन मैन जैसे ताकतवर होने वाले। इस अपडेट के बाद पोर्टल को का यूज करके आप दूसरे डायमेंशन में जा सकते हो, और साथ ही इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स भी देखने मिलेंगे जिससे कि आप एनिमी के शरीर में आग लगा सकते हो। व्हाट्सअप गेमर्स, क्या हाल है? आज हम देखने वाले हैं कि फ्री फायर के इस नए एडवांस सर्वर में क्या क्या नए चेंजेस आने वाले हैं, और जितना मुझे अभी तक पता चल रहा है उस हिसाब से फ्री फायर का ये वाला एडवांस सर्वर आज तक का द बेस्ट एडवांस सर्वर है। वैसे इस अपडेट के बाद बहुत सारे किस चीज में चेंजेस नहीं है ऐसे अपन बोल नहीं सकते। कैरेक्टर सेक्शन में चेंजेस आए हैं, गन सेक्शन में चेंजेस आए हैं, लॉबी सेक्शन में चेंजेस आए हैं, इन गेम मोड में चेंजेस आए हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड कैरेक्टर सेक्शन, ऐसा मुझे नहीं लगता शायद कुछ ऐसा सेक्शन बचा होगा जिसमें अपना ये वारी अपडेट में चेंजेस ना आए हो। स्टार्ट करते हैं इन गेम चेंजेस के ऊपर। इस अपडेट के बाद जब आप गेम ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का लॉबी इंटरफेस देखने मिलेगा जिसमें बहुत सारे चेंजेस है, पर यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप थोड़ा साइड पे देखोगे जहां पर आप अपने दोस्त लोगों को रिक्वेस्ट भेजते थे कि आज अपने दोस्त खेलते हैं, तो यहां पर भी आपको तीन अलग अलग सेक्शन देखने मिल जाएंगे। एक है अपना रेडी टू टीम वाला, सेकंड है अपना नॉर्मल ऑनलाइन सेक्शन, और तीसरा है जो डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब कि वो वाले बंदे को आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। वैसे आप सभी को बता दो, अपन नॉर्मल प्लेयर्स में सबसे ज्यादा जो फोन में खेलते हैं उनको क्या प्रॉब्लम रहता है? सेंसिटिविटी का। अपन जितना भी किसी को हेड मारने का चाहे ना, हेड बचता ही नहीं है। क्यों नहीं बचता? क्योंकि अपने फोन का सेंसिटिविटी कम होता है। पर इस अपडेट के बाद 100 से करीना पूरा 200 तक ले गया अपने सेंसिटिविटी को। आपका अभी जो सेंसिटिविटी 0 to 100 था वो अभी चेंज होकर 100 to 200 होने वाला है, जिस हिसाब से आप अपने गेम प्ले को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम OP लेवल तक ले सकते हो। और हाँ, सिर्फ अब हेडशॉट ही लगने वाले हैं। अब बात करते हैं थोड़े स्पेशल चीजों के ऊपर। नहीं, स्टोर में तो ये 1 डायमंड सेक्शन कभी भी अपने गेम पे नहीं आने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस सर्वर के लिए है। पर गेम पे एक नया ड्रैगन आने वाला है। हाँ, अपने क्लैश कॉर्ड और BR मैच के अंदर एक न्यू ड्रैगन देखने मिलने वाला है। वैसे BR मैच का तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, पर CS मैच में जो ड्रैगन आने वाला है वो भी गेम पे आ चुका है। पर उसको स्पॉन कैसे कराया जाए? वो ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ BR मैच में आता है, और अभी किसी भी मोड पे वो नहीं आता। जैसे गेम पे 3-4 मोड तो अभी अपने हैं ही, जैसे लाइक अल्पाइन है, परगेटरी है, पर अभी सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है BR मोड पे। अब देखिए, तो मेरा जो इस वाला है यहाँ पे हम BR मैच ही खेल रहे हैं, और ये थर्ड जोन है। देख सकते हो, आपको अगर ड्रैगन को स्पॉन कराना है तो आपको 2 राउंड खेलने हैं। थर्ड राउंड पे ड्रैगन स्पॉन होता है, और तीसरे वाले राउंड पे गेम के अंदर आपको ये वाला ड्रैगन देखने को मिल जाएगा जो कि आसमान पे ऐसे उड़ रहा होगा। ये ड्रैगन को आपको मारना होगा, फिर जाके ड्रैगन ना अपने हाथ में एक स्पेशल एयर ड्रॉप, ड्रैगन एयर ड्रॉप रखा होगा जिसको कि आप ले सकते हो। पर उससे पहले आपको पहले इस ड्रैगन का खात्मा करना पड़ेगा। लेट्स गो। मैं यहाँ पे देखो इस ड्रैगन को मार रहा हूँ, और ये ड्रैगन ऑलमोस्ट 600 से 700 या फिर 800 तक का डैमेज खाएगा, फिर ये ड्रैगन मर जाएगा। देख सकते हो, ड्रैगन के नीचे उसका एक HP बार शो कर रहा है, और यहाँ पर वो ड्रैगन का खात्मा हो गया। इस तरीके से आप ड्रैगन को मार सकते हो, और उसके बाद आपको मिलने वाला है यहाँ पे ड्रैगन एयर ड्रॉप। वैसे ड्रैगन एयर ड्रॉप के अंदर भी बहुत ही OP चीजें होता है, लाइक आपको एक स्पेशल गन देखने मिल जाता है, एक ड्रैगन फ्रीज देखने मिलेगा, और एक ड्रैगन स्प्रिंटर। अगर ये स्प्रिंटर की बात करें तो ये एक टाइप का शू है जिससे कि आप डबल डैश जंप कर सकते हो। देख सकते हो मेरे पास अभी ये शू है और मैं इसे जंप कर रहा हूं, पर अभी चलो ड्रैगन फ्रीज का यूज करते हैं। चलो लेट्स गो। मैं यहां पे एक बार, वे ये क्या होता है? ड्रैगन फ्रीज को जब आप एक बार यूज करते हो तो ये सिर्फ एक बार नहीं, 2-3 बार उसके फ्रीजिंग एबिलिटी को यूज करता है। देखो यहाँ पे अपन अभी ड्रैगन शूज का यूज कर रहे हैं, और जंपिंग के स्टाइल इसका बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया, मतलब एयर में आप 2 बारी नॉर्मल जंप से एक और एक्स्ट्रा बारी डैश कर सकते हो। और एक चीज भी गेम पे है, पर वो अभी तक कंफर्म नहीं आया है क्योंकि अभी एडवांस सर्वे में उस चीज को प्रॉपरली दिखाया भी नहीं गया है। जब गेम पे अपन किसी मैप के अंदर जाते हैं तो अपना प्लेन जाता रहता होता है, इस वाले इवेंट पे अपने पीछे एक ड्रैगन लगा होगा, और वो तब तक हमारे प्लेन के पीछे लगा रहा होगा जब तक हम लैंड ना कर लें। तो ये बहुत ही ज्यादा एपिक एक सीन देखने मिल सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज आपको दिखा दी, जैसे कि इस तरीके से हो सकता है शायद अपने पीछे ड्रैगन आ सकते हैं। मुझे इसके बारे में भी पता नहीं है क्योंकि ये अपने को भी नहीं बताया गया है, बट गेम के अंदर ये सबको एक साथ
एक बहुत ही ओपी एक्सपीरियंस देखने मिलने वाला है। प्रोफाइल सेक्शन की बात करो तो वहां पे एक बहुत बड़ा ज्यादा चेंज आया है। वहां पर जब आप अपन ओपन करोगे अपना प्रोफाइल, देन आपको ना यहाँ पे एक नया सेक्शन देखने मिलेगा जो कि है रोल सेक्शन। वैसे रोल में क्या है, आपका खुद का रोल गेम के अंदर क्या है ये एक बंदा बाहर से ही देख पाएगा। अगर आप PR और CS थोड़े बहुत मैचेस खेल लोगे तो गेम खुद ही डिसाइड कर लेगा कि आप कौन सी चीज में सबसे ज्यादा प्रो हो। आप नेडर हो, आप असॉल्टर हो, या फिर आप स्नाइपर हो, या फिर आप रशर हो, गेम आपको खुद एक बहुत ही ओपी सा टैग दे देगा। वैसे देख सकते हो मैंने कुछ CS मैचेस खेला है और यहाँ पे मुझे एक टैग मिला है रशर का, और इस हिसाब से हर कोई प्लेयर को अपना अपना रोल मिल जाएगा और आप भी दिखा सकते हो कि आप कितने ज्यादा प्रो हो स्नाइपर पे, नेडर पे या फिर रशिंग स्किल्स में। नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है न्यू कैरेक्टर के ऊपर। अपने गेम भी एक बहुत ही ओपी पैसिव स्किल कैरेक्टर निकल के आने वाला है, वो है काइरोस। ये एक पैसिव कैरेक्टर है, इसमें दो मोड होंगे, एक होगा डिफेंस मोड और एक होगा ब्रेकर मोड। डिफेंस मोड में ये ऑटोमेटिकली ईपी को रिकवर करता जाएगा, और ब्रेकर मोड पे जब इसका ईपी मतलब कि डिफेंस मोड जब इसका फिल हो जाएगा उसके बाद जब अपन फायर करेंगे तो इसका पावर और भी ज्यादा दुगना डबल होने वाला। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपको काइरोस कैरेक्टर के ब्रेकर मोड पे जाना है तो पहले आपको डिफेंस मोड को क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले अपने ईपी को फिल करना पड़ेगा। 200 फिल करने के बाद ही जाके ये ब्रेकर मोड पे जाएगा। एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो आप भी लगा सकते हो कि कब इसका ब्रेकर मोड ऑन होता है। अपना ईपी जो सेक्शन रहता है वो येलो कलर का रहता है, पर एक बार ब्रेकर मोड पे जाने के बाद इसका ईपी जो होता है वो येलो से वायलेट को कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद ही जाके आप इसका फुल फायदा उठा सकते हो। और एक सबसे बड़ी दुविधा जो आती है वो है AFK। आप सभी को होता होगा CS में अपन खेलते हैं चार बंदे, पर कभी कभार क्या होता है एक बंदा जो होता है ना वो नेट ऑफ कर देता है, वो ऑफलाइन चला जाता है। उसके वजह से कई बार अपन तीन जो बंदे होते हैं ना वो फंस जाते हैं। तो इस वाले सिचुएशन से बचने के लिए गरीना के AFK के सिस्टम बहुत ही ज्यादा अभी एनहांस हो चुका है। जो भी बंदा अपना इंटरनेट ऑफ करेगा थोड़े टाइम के लिए, या फिर वो हिलेगा भी नहीं ना एक जगह से, तो वहां पे उसके ऊपर AFK लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि चलो मैं यहाँ पे ना अपने गेम के साथ ही थोड़ा बहुत छेड़खानी करता हूँ, मैं अपने कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं हिलाने वाला, और देखते हैं मुझे कितने देर बाद हुए। देख सकते हो एक चीज, मेरे प्रोफाइल में अभी मुझे आ चुका है AFK वार्निंग। अगर मैं अपने कैरेक्टर को अभी किधर भी नहीं हिलाता हूं तो मुझे अभी AFK स्कोर घट सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, मेरे कैरेक्टर मेरे प्रोफाइल के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप गलती से भी ये प्रॉब्लम अपने प्रोफाइल के साथ क्रिएट मत करवाना, क्योंकि इससे हो सकता है आपका ऑनर स्कोर गिर सकता है और आप CS या फिर BR ना खेल पाओ। इन गेम में मैंने BR खेला, CS खेला, पर सबसे जो क्रेजी चीज मुझे लगा वो है साउंड एडजस्टमेंट। वैसे नॉर्मल साउंड एडजस्टमेंट तो अपने गेम में पहले से ही थे, बट थोड़े नए साउंड भी इसमें ऐड कर दिए गए। लाइक कटाना का जो फाइनल किल एनिमेशन था वो आप सभी को बताओ को कितना ज्यादा ओपी रहता है, और उसमें अभी साउंड ऐड कर दिया गया, आप ही सुन लो। साउंड आ रही है इस बार, अरे फिनिशिंग सिर्फ कटाने में ही नहीं, पोर्टल गो में भी ऐसे कुछ चेंजेस ऐड कर दिए गए हैं। अगर आप पोर्टल गो के पास जाते हैं और वहां पे जाके कभी उसको यूज करते तो क्या होता है, एक जगह से आप दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पर इस अपडेट के बाद उसमें ना थोड़े बहुत लिमिटेशंस ऐड कर दिए गए हैं और थोड़े बहुत साउंड इफेक्ट्स भी। एक तो पोर्टल गो को अभी आप लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हो, अगर दूसरी बार उसको यूज करना चाहो तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पोर्टल गो भी कूल डाउन टाइम लेने लगा है। और साथ ही पोर्टल गो में जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो भाई देख सकते हो कितना क्रेजी एक सीन बनता है, उसके पीछे एक और पोर्टल क्रिएट होता है और अपन एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसका एक ओपी सा साउंड भी आ रहा है, सुन पा रहे हो ना। नॉकिंग सिस्टम भी इस अपडेट के बाद थोड़े बहुत कैरेक्टर स्किल्स के साथ एनहांस हो चुके हैं। अगर आप एक बार नॉक होते हो तो नॉर्मली कोई बंदा आपको मारता था आप मर जाते थे, पर इस अपडेट के बाद आपका नॉक होने के बाद आपके सामने एक शील्ड बन जाता है। पहले अगर एनिमी आपको कोई मारेगा तो पहले उसको आपका शील्ड तोड़ना पड़ेगा, एक बार शील्ड तोड़ा उसके बाद ही जाके आपको डैमेज पड़ेगा। जैसे कि इस वाले जगह पे देख सकते हो मेरे सामने कुछ एनिमीज नॉक है और मुझे उनका पहले शील्ड फोड़ना पड़ रहा है, उसके बाद ही मैं उनको डैमेज दे पा रहा हूँ। और एक चीज भी है, जब यहाँ पे मैं नॉक हुआ तो देख सकते हो मेरे सामने शील्ड ऑन तो हुआ, पर नॉक होने के बाद मेरे मूवमेंट स्टाइल में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। लाइक मैं आगे पीछे होने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल बन गया है मुझे लगता है। एंड या आई नो गेम पे और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि मुझे अभी तक नहीं पता है, पर अगर आप लोग उनको एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर करना चाहते हो या फिर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मुझे नीचे कमेंट पे जरूर से बताना। और अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
अब अपने पास है वेपन अपडेट्स। गेम पे एक न्यू वेपन आने वाला है जिसका नाम है FGL-24। ये एक ऐसा गन है जिसमें अपन ग्रेनेड जनरेट कर सकते हैं। इसके जो एमओ होंगे वो कवर के थ्रू भी पास कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग ग्लू वॉल। एक चीज अगर ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पर उस एमओ का यूज कर देता हूँ। ग्लू वॉल के आगे की तरफ देख सकते हो यहाँ पे फ्लेम निकल रहा है। अगर इस साइड को कोई भी बंदा खड़ा होता है ना तो उसको डैमेज पड़ने वाला है। मैं इस चीज को एक और बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्लू वॉल के पीछे मेरा एक दोस्त खड़ा है जो कि अभी मेरा एनिमी है क्योंकि अपन ट्रेनिंग ग्राउंड पे हैं। और इस वाले जगह पे देख सकते हो वहाँ पर इस गन के गोली से फायर निकल रहा है और देख सकते हो उसके ऊपर वो डैमेज भी दे रहा है। इस वाले चीज को मैं अपने ऊपर ही ट्राई करता हूँ तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। देखो मैंने अपने सामने एक वॉल लगा लिया। मैंने अपने दोस्त को बोला कि गन से फायर करने को मेरे वॉल के ऊपर। गन के गोली से जो फायर है वो अभी वॉल के थ्रू मेरे ऊपर आ रहा है, मुझे डैमेज पड़ रहा है। देख सकते हो मेरे स्क्रीन के चारों तरफ यहाँ पे फायर इफेक्ट शो भी कर रहा है। बट यार ये मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा ओपी गन होने वाला है इन फ्यूचर। बट मुझे लगता है ये वाला जो अभी अपने फेस के ऊपर आ रहा है ये सबसे ज्यादा ओपी है। वैसे ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, गन को लेना है और पूरा अपने सामने जो एनिमी होगा उसके ऊपर एम करके फायर कर देना है और थोड़ी देर बाद देखना आपके एनिमी के सर के ऊपर से फायर निकलने लगेगा। वैसे मुझे लगता है ये एक ग्लिच है क्योंकि ऐसा अगर एनिमी के ऊपर से फायर निकलने लगे तब तो भाई गेम का यूं ले लो। पर सबसे क्रेजी चीज जो है इस गन का ग्लू वॉल को फोड़ना, वो ये गन बहुत ही बखूबी निभा रहा है। देखिए जो मेरे सामने मैंने ग्लू वॉल के ऊपर फायर करा था तो थोड़ी देर में ग्लू वॉल का हाई टाइम फिस्ट। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ मैंने इसको ट्रेनिंग ग्राउंड पे यूज करा तो ना ना भाई, मैं इसको वीआर मैच पे भी यूज कर रहा हूं और यहां पे मुझे ये वेंडिंग मशीन के अंदर देखने मिल जाता है FGL-24 गन और ये इसके एक एमओ के साथ मुझे गेम के अंदर फ्री में मिल जाता है। बट गेम के अंदर मुझे पता नहीं कैसे मेरे यहां पे 3 एमओ हो जाते हैं और मैं इसको जब यूज करता ना तो देखो सबसे क्रेजी चीज जो है मैं इसको वॉल के ऊपर यूज कर रहा। सामने मैंने एक बंदा नॉक करा था, मैं उसको बिना फायर करे ही सिर्फ वो गन के एमओ जो कि अभी हवा में उड़ रहा है उससे ही वो सामने वाले बंदे का खात्मा हो जाता है। मैंने एक भी गोली उसको टच नहीं करा है। और सबसे ज्यादा क्रेजी चीज मैं दिखाऊं, अब देखो ये वाले मैच के अंदर मेरे एंड जो एक ही बंदा बस बचा है और इस वाले बंदे के ऊपर मैं ये गन का एक एमओ लास्ट एमओ अपना यूज करने वाला हूं। मैंने एम करा और प्रॉपर छोड़ दिया, उस वाले बंदे के ऊपर वो गन टच हुआ है। देखो उसके सर से अभी फायर निकल रहा है, ओए उसका वेस्ट फट गया और सर के ऊपर से डैमेज भी निकल रहा है। भाई इससे पता चल रहा है कि ये गन कितना ज्यादा क्रेजी है। सिर्फ ग्लू वॉल नहीं, ये बॉडी पे भी बहुत ज्यादा डैमेज देगा। न्यू गन की बात तो गई, अब अपन बढ़ते हैं वेपन रीवॉक के ऊपर। अपना गेम का जो गन रीवॉक हुआ है वो है प्लाज्मा। इसमें अपने को ज्यादा रेट ऑफ फायर, ज्यादा पावर देखने मिलेगा इस अपडेट के बाद। वैसे प्लाज्मा के ऊपर जो फीचर यूज हुआ है वो है जितना ज्यादा आप इसको यूज करोगे, जितना ज्यादा आप इसमें फायर करोगे उतना ज्यादा इसका रेट ऑफ फायर और डैमेज सब कुछ बढ़ता जाएगा। लाइक ये ना एक मॉन्स्टर गन टाइप का हो सकता है। रुको मैं इसको ना ये पुतले पे यूज करता हूँ तब आपको इसका प्रॉपर पावर पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने एक चीज को ध्यान दिया होगा तो स्टार्टिंग में मेरा गन थोड़ा धीरे चल रहा था, बट थोड़ी देर बाद जब मैं फायर कंटिन्यू करने लगा तो इसका रेट ऑफ फायर और डैमेज दोनों ही ग्रेजुअली बढ़ने लगे। और गेम पे एक बहुत ही बड़ा अपग्रेडेबल मैकेनिज्म चेंज आया है जो कि है ऑग गन में। इस अपडेट के बाद जितने भी ज्यादा अपन बंदों को मारते जाएंगे अपना फायर जितना बढ़ता जाएगा, अपना डैमेज जितना बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से अपने गन ना अपग्रेड होते जाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड पे ऑग गन पकड़ा हूँ, मेरे सामने एक एनिमी है और जब मैं इसका खात्मा करता हूँ तो देख सकते हो मुझे एक गन अपग्रेड होने का ऑप्शन आ गया। मतलब जितना ज्यादा मैं बंदों को मारता जाऊंगा, जितना ज्यादा मैं डैमेज देता जाऊंगा, उस हिसाब से मेरा गन लेवल अप होता जाएगा। अभी मेरा गन लेवल 2 हो चुका है तो मुझे और शायद 2-3 बंदों को मारने के बाद ये अपग्रेड होने का भी ऑप्शन आ जाएगा। इस वजह से मैं 3 किल कर चुका हूं और यहां पर एक बंदा 4 किल करने के बाद मुझे मेरे ऑग गन को अपग्रेड करने का ऑप्शन आ गया। मेबी एडवांस सर्वर के लिए, बट मुझे लगता है गेम पे भी कुछ ऐसे ही मैकेनिज्म आने वाला है। शायद 4-5 बंदों को मारने के बाद अपना ऑग गन पूरा का पूरा मैक्स लेवल अपग्रेड हो जाएगा। वेपन एडजस्टमेंट्स की बात अगर करो तो यहाँ पे कुछ गन बर्प हुए हैं। लाइक जिसके पावर बढ़ गए हैं वो है डबल वेक्टर और MP5। डबल वेक्टर की बात तो मुझे नहीं पता, बट MP5 की बात अगर करो तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि इस गन का पावर थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। बॉडी डैमेज MP5 का पहले 8-8 आता था बट अभी ये 16-18 तक आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे 3 गन जो है उनके पावर को नर्फ कर दिया गया है। एक उनमें से बाइजन, ट्रोगन और चार्ज बस्टर। मुझे नीचे कमेंट बताना है आपका फेवरेट गन कौन सा था और क्या आपको ये चेंजेस पसंद आए या फिर नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, गेम
के अंदर अपने को एक न्यू टेस्ट बॉय नामक एक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही ओपी कैरेक्टर एबिलिटी के साथ आता है। उसमें अपने को सेंटिनो के एबिलिटी टाइप का एक एबिलिटी देखने मिलता है, जहां पे आप एक बंदे को नॉक करते हो और इसका एबिलिटी वहीं पे काम करता है। एक बंदे को नॉक करने के बाद जब आप इसका एबिलिटी यूज करते हो, नॉक बंदे के पास ही डायरेक्टली आपको टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे कि आप एनिमी के अड्डे के अंदर बिल्कुल इजीली घुस सकते हो। एग्जांपल्स के साथ ही बता रहे हैं, सामने देखो मैंने एक बंदे को नॉक करा और इस वाली जगह पे रेड आ रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा करना है जैसे कि ये ग्रीन आए सिग्नल। ओके, यहाँ पे देखो मैंने एबिलिटी का यूज करा, सिग्नल ग्रीन आया और मैं इस बंदे के पास आके इसका किल तमाम कर दिया। इस वाली जगह पे सिर्फ मैं अकेला बचाऊ, मेरे सामने दो एनिमीज है, एक को मैंने नॉक करा और यहाँ पे मुझे ये एबिलिटी का यूज करना है। चलो मैंने एबिलिटी का यूज करा और इस वाले जगह पे देखो मैं नॉक बंदे के पास आ गया और दूसरे वाले बंदे का काम तमाम करके मैंने एस ले लिया। जिनके कैरेक्टर स्किल्स को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया गया है वो है राइडन, सैंटिनो, जोसेफ, निकिता, कपेला और कैरोलिन। और जिनके कैरेक्टर एबिलिटी को घटा दिया गया है वो है अपना फेवरेट तात्सुया। मुझे नीचे कमेंट बताना क्या आप इसको देख के दुखी हो रहे हो। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं है। वैसे इसके बाद ना बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमको जो सबसे ज्यादा पसंद है उस चीज पर ध्यान दिया गया है। लाइक एक बंदा किसी को रिवाइव करता है, बार बार रिवाइव करता है, पर उसको ना कोई भी तरीके का टाइटल नहीं मिलता। पर इस अपडेट के बाद हर किसी बंदे को नए नए तरीके के टाइटल से अलंकृत कराया जाएगा। अगर गेम पे कोई बंदा किसी को बहुत ज्यादा बार रिवाइव देता है तो उसको एक नया खिताब मिलेगा, जो कि है टीम कोऑपरेशन का स्पेशल इफेक्ट। अगर कोई बहुत ही कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट लगाता है या फिर 1v2, 1v3 सिचुएशन और बहुत ही क्रेजी क्लच कर देता है, तो उस पे भी एक स्पेसिफिक किल सिचुएशन का एक स्पेशल इफेक्ट देखने मिलेगा। एंड सबसे क्रेजी, सबसे खतरनाक एरिया बेस्ड अचीवमेंट। अगर आप किसी भी एरिया में सबसे ज्यादा किल करते हो, मान लो आप पोचिनो, क्लॉक टावर या फिर पिक किसी एक जगह पे और वहां पे आपने सबसे ज्यादा किल करा, तो आपको उस एरिया का राजा बनाया दिया जाएगा। लाइक ऐसा टाइप का आपको एक एरिया बेस्ड अचीवमेंट देखने मिल जाएगा इस अपडेट के बाद। और हाँ, ये चीज आप बस अपने लवबर्ड्स पता होगा किसको बताना है, क्योंकि ये चीज ना बहुत ही ज्यादा गुप्त रखी गई है, सिर्फ आप और मुझे पता है। चलो जब आप सोशल आइलैंड में आओगे इस अपडेट के बाद, आप अपने प्यारे जनों के साथ आना ताकि आप कुछ प्यारे गुफ्तगू कर पाओ, या फिर आप सोशल जोन पे भी लड़की पटा सकते हो, बोल सकते हो ऐसा। क्योंकि इस अपडेट के बाद जब आप सोशल जोन पे आओगे, आपको ऑल का ऑप्शन तो देखने को मिल जाता है, पर अगर कोई बंदा आपके पास से दूर जाता है तो उसका आवाज आपको धीरे धीरे सुनाई देने लगता है। मान लो आप अपने किसी प्रियजन के साथ सोशल जोन पे आए हो, या फिर आप किसी को सोशल जोन में ही अपना प्रियजन बना लेते हो और फिर दूर चले जाते हो, तो आप गुफ्तगू करो पर सोशल जोन में किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा दोस्त मेरे पास है और उसका आवाज मुझे कितना क्लीन सुनाई दे रहा है। रियलिस्टिक फीचर, दूर जाते जाते आवाज घट रही है। अब देखो आवाज आ रही है क्लियर। हेलो 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 हेलो, क्या हो रहा है, देख रहे हो क्या हो रहा है, दूर जाते जाते आवाज घट रही है। अब फिर देर किस बात की, अब आप लोग भी इस अपडेट का इंतजार कर रहे हो या फिर नहीं, मुझे नीचे कमेंट पे जरूर से बताना। जैसे कि मैंने कहा, इस अपडेट के बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा टाइटल्स जो है वो प्लेयर को मिलने वाला है। लाइक देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को एक क्लच शॉट मिला, एक हेड रिपर मिला और एक नॉकडाउन का फीचर भी मिला। यहाँ पे फिर से मेरे को एक क्लच शॉट मिला। तो जितने भी ज्यादा आप बंदे को मारते हो, किसी को हेड शॉट मारे, किसी को बॉडी शॉट मारे, किसी को अलग तरीके का शॉट मार दिए, कहीं पे क्लच मार दिए, तो आपको हर तरीके का नए नए टाइटल अभी गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। एंड याद, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो मजा आएगा। प्लीज देन प्रेस दैट लाइक बटन। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि गेम पे छुपे हुए हैं, वैसे अगर आपको उनके बारे में भी जानना है तो इस वीडियो को लाइक करो। कल मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय।